Hi everybody. This is Shefali Chopra. Shefali Chopra, your storyteller. Friday hai, promise kiya tha. Aa gaye. Main chahti hu at least a hi or a hello or a smile se aap mujhe bata dein ki aap mujhe dekh sakte hain. Kyunki abhi tak mujhe ye nahi malum ki am I like talking to a blank screen? Or there are people that side of the screen who are watching me. So, yes, I think some kind of a magic thumbs up came for me. So, I assume that there is somebody who's watching. Yes. Hi. Hi. Glad, guys. Tum logo ne meri jaan mein jaan lai. Thanks for so much. पढ़ लिया मैंने आपका हेलो हैं आप वीकेंड जब हम पहले काम करते थे कैसे बोलते थे ओ माय गॉड लॉन्ग वीकेंड यार शुक्र करो फ्राइडे आ गया थैंक गॉड इट्स फ्राइडे नाउ एवरी डे इज अ फ्राइडे और अ सैटरडे और अ संडे यस आई वाज आल्सो वेटिंग फॉर यू व्हाई वुड यू ओनली वेट फॉर मी यू नो I was thinking about it. I said, yaar, Friday aa raha hai. Kal raat ko mujhe khayal aaya. I said, yaar, Friday night is my night. Yes. Hi, Sabina. My rocking, oh my God, my baby brother, Rohan. Yes, baby. Yes. Oh, hello, sir, Narayan. Sir, hello. How are you? Nice to see you. I am so happy. God, you're far away and it feels so like connected ki haan bhai, there is somebody, you know, waiting for me or at least waiting to hear from me. So I'm like very happy. Anyhow, aaj mera din kaisa tha? Pehle main aap logon ko ye batana chahti hoon. Aaj mera din bahut hi happy tha. Happy. Happy kaise ho gaya? Forget that kaam, shaam, ye to hote hi rahenge. But I think in the morning when I got up, I thought to myself, I said, आज हमने क्या करना है? Should we make it a happy day or a sad day? So I thought, let's make it a happy day, happening day. And exactly that's what happened. It became a happy day. Hi Annapurna, hi Piyali. Oh my God. How nice. Nice to see you Piyali, my classmate from Muscat. How? Yes. So lovely. I can see so many hearts coming up. Oh my God, my mentor, my sweetheart, my healer, Meenakshi. Hi, Meenakshi. Long time. I miss you. I really do. Yes. And I'm so sure you'll be so happy to see me from those days and now. I'm so sure about it. Dekho bhai. आज मैंने सोचा भाई मेरा दिन तो बिल्कुल रॉकिंग जाना चाहिए एंड बिलीव मी रॉकिंग गया कल रात को मैं थोड़ी मायूस सी हो रही थी बहुत पता नहीं क्यों कभी कभी हो जाता है ना हम सबको होता है कल रात को हो रही थी थोड़ा डिप डिप वाला फीलिंग कि अरे यार बट मॉर्निंग में जब मैं उठी मैंने कहा नहीं वी कान डू दिस हाउ कैन आई डू दिस मैं मायूस हो जाऊंगी तो मैं सबको कैसे हंसाऊंगी है कि नहीं कैसे हंसाऊंगी हाँ जी आपका दिन भी अच्छा हो जाता है क्या बात थैंक यू ओ राहुल नाम तो सुना होगा बिल्कुल सुना है आई एम सो हैप्पी सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड पीपल दैट आई नो इट्स अ ब्लेसिंग आई एम सो थैंकफुल सो जब मैं मॉर्निंग में उठी मैंने कहा भाई हैप्पी डे तो होना पड़ेगा हम तो सैड नहीं हो सकते एंड बिलीव मी वो एक्चुअली आई थिंक कुछ कनेक्शन है जब हमने सोचा और कुछ माइंड को कुछ लोचा टाइप हो गया एंड एक्चुअली अच्छा दिन हो गया बहुत अच्छा दिन था मेरा वेल हाय निदा वाओ आई कैन सी सम मोर पीपल जॉइनिंग इन वाओ दैट्स ग्रेट लवली अमेजिंग सो कहानी भाई अब हम स्टोरी तो होगी उसका ही तो हमें इंतजार रहता है कि हम आपके साथ क्या कहानी करें कहानी छोटी सी है बट उसका उसके बारे में बताना चाहूंगी
कहानी है, क्या नाम था उसका, लो मेरे ख्याल से लाल बाई, लाल बाई नाम था उसका, लाल बाई की कहानी। लाल बाई एक ऐसी लेडी थी जो वेल वेल टू डू थी, वेल टू डू, यू नो, शी वॉज कंफर्टेबल इन हर लाइफ विद एवरीथिंग अराउंड हर, लवली चिल्ड्रेन, अ गुड हस्बैंड, शी हर सेल्फ वॉज, यू नो, लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ, शी हैड स्टाफ टू टेक केयर ऑफ हर। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर स्टाफ वहाँ आता था रोज काम करने के लिए, लेडी दो साड़ी पहनती थी, दिन एक दूसरे दिन दूसरी। तो लालबाई कुछ दिन देखती रही और फिर लालबाई ने पूछा कि क्या बात है, आप एक दिन एक साड़ी पहनते हो, फिर अगले दिन दूसरी और फिर पहली। तो ने कहा कि मैडम है नहीं, ऐसा ही है। तो लालबाई को बड़ा तरस आ गया, तो लालबाई ने अपनी तरफ से उसको दो साड़ी दे दी। तो वो बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। जब अपने घर जाने का टाइम आया, लिटरली बहुत जय जय करके, लिटरली पैरों को हाथ लगा के निकलने लगी वहां से। अगले दिन जब वो आई तो लालबाई ने देखा कि अरे, उसने वो साड़ी पहनी थी जो उन्होंने उसको दी थी। दो चार दिन निकल गए, वो वेट करती रही अंदर से कि वो दूसरी साड़ी कब पहनेगी। वो दूसरी साड़ी उसने कुछ दिन नहीं पहनी। तो लालबाई ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको बोला कि क्या बात है, मैंने तो तुझे दो साड़ियाँ दी थी, तू एक ही पहन के आ जाती है और दूसरी नहीं पहनती। सोचो उसने क्या कहा होगा। उसने कहा कि मैडम, मेरे पास वाली जो है ना, मेरी पड़ोसन, वो बहुत गरीब औरत है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको एक साड़ी दे दूं। तो मैंने उसको वो, लोग ऐसे होते हैं, उसने दूसरी औरत को गरीब उससे भी ज्यादा माना और उसको दे दिया। इसको कहते हैं टचिंग लाइव्स ऑफ अदर पीपल। हम कभी सोचते हैं कि डू वी एक्चुअली हैव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट इन लाइफ, कि कभी भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुछ, यू नो, लाइक एक इम्पैक्ट छूट जाता है, एक छाप छूट जाती है। हाँ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और हम रियलाइज नहीं करते। हेलो राजन सर, हाय अमित कौर, हम रियलाइज नहीं करते कि हम कैसे इम्पैक्ट करते हैं लोगों की जिंदगी को। छोटी चीजों से, बहुत बारीक छोटी छोटी चीजों से हम लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करते हैं। सिंपली हम अपने आप को सोचते हैं कि हम जर्रा हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना इम्पैक्ट कर लेंगे, स्पेशली अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आगे पीछे हो रही हैं, तो एक्चुअली हम जर्रा बन गए हैं। हमें लगता है हमारा क्या है हमारे पास। बट स्टिल द थिंग इज, वी डू मैटर इन दिस वर्ल्ड एंड वी मैटर बिग टाइम, वी रियली मैटर बिग टाइम। हो सकता है यू वुड हैव गिवन अ कप टू समबडी, उसमें से वो रोज़ चाय पीते हों। हो सकता है यू रिकमेंडेड अ बुक टू समबडी और वो किताब पढ़ी, कहीं ना कहीं आपको याद करते होंगे 200%। फिर हो सकता है कोई भी एक वो गाना सुने और आपको याद करे, यू हैव टच दैट पर्सन्स लाइफ डेफिनेटली। कोई गीत गुनगुनाए और आपको याद करे, यू हैव टच द लाइफ ऑफ दैट समबडी।
कभी लॉन्ग ड्राइव के लिए जाए और कुछ उसी वक्त बारिश हो और उसको हो, अरे उसको भी बारिश बहुत पसंद थी। तो यू हैव दैट समबडीज लाइफ। कोई जोक कोई जोक सुने और हंसे बिन मतलब के, या हो सकता है आपकी कोई हरकत को याद करके वो हंसे जबकि सब उसको देखें और बोलें अरे क्या हुआ वो याद। सो यू हैव टच समबडीज लाइफ, ऑफ कोर्स यू हैव। यू कैनॉट वाइप योर फिंगरप्रिंट्स of kindness towards people, you cannot. The kindness is always there, it stays. You may have moved poles apart, you may be in different continents, it doesn't matter. When you touch somebody's life, it stays. It might be in some kind of memory bank, but believe me, it stays. It does stay. So कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आज याद करिए, हो सकता है आपको भी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएं। हम पता नहीं क्यों अपनी वैल्यू डाउन कर देते हैं, आई डोंट नो। शायद हमें लगता है कि हमें वो बात नहीं है, हम स्पेशल नहीं हैं। बट जो इंसान, कोई भी इंसान अगर किसी की लाइफ में स्माइल लाए या पॉजिटिविटी लाए तो दे हैव टच लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल। सो प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट, यू डू। तुम चाहे ज़र्रा हो या कुछ भी हो, किसी ना किसी के लिए कोई बहुत खास हो, बहुत खास हो। ये थी मेरी आज की कहानी। Hi Neena ma'am, how are you? So nice to see you. I mean kind of see you, at least I know you are watching me. Yes, Neena ma'am is my Mohin's previous principal. So it's such a delight that she's watching me today. Unfortunately, I never got much time to spend with her, but it's all right. Aise hi kisse kahaniyon ke daur se हम एक दूसरे को तो जान ही जाएंगे somehow। तो ये कहानी थी के लिए थी जो सोचते हैं कि इम्पैक्ट। आज लोगों को कुछ देती हूँ, पास में ही कोई रहता हो या आपका चौकीदार हो, कोई भी हो सकता है, तो when you actually start to connect with people, you will realize कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई, याद है last time की बात, चमनलाल मिल ही जाएगा। But हाँ, हमको देखना पड़ेगा एक direction। Hey guys, sorry, bad connection, हम इंडिया में हैं, हमको इसलिए कोई बात नहीं। Hi अजय। सो हम इंडिया में हैं, ये सब छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और हमको तो वैसे ही एडजस्ट करने की आदत है। तो लाइट चली गई तो एडजस्ट कर लिया, बस में धक्कम धक्की है तो एडजस्ट कर लिया, और बैड नेटवर्क है तो भी एडजस्ट कर लिया। तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना, ये मेरा कसूर नहीं है, मैं बता देती हूँ, मैंने तो सीख लिया है कि कैसे करना है। दीज आर कॉल्ड सोफेस्टिकेटेड वे में टेक्निकल ग्लिचेस, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट। पता नहीं मैं कौन सी कहानी में थी, और ये देखो अब क्या बोलूँ, इसको कहते हैं रोमांस में किसी का छोका डालना, ये छोका डाल दिया इसने लाइट ने। चलो कोई बात नहीं। सो मेरा मतलब था मैं आपसे चमनलाल के बारे में कह रही थी। सो मेरी जो लास्ट एपिसोड में मैंने चमनलाल के बारे में बताया था, इसलिए हमको हमारा चमनलाल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, मगर हाँ ढूंढना पड़ेगा हमें। नहीं नहीं दूरबीन लेके नहीं यहां से ढूंढो, आंखों से क्या है, यू नो यू विल जस्ट कनेक्ट। और किसी के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, और उसके साथ जब आप बैठेंगे
यू विल मैनेज टू टच देयर लाइव्स इन सम फैशन और दी अदर। इसी कनेक्शन में एक छोटी सी कहानी फिर से याद आई। बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक स्टाफ काम करता था और सा बच्चा था, बहुत क्यूट, मेरा फेवरेट। तो मैं उसको बार बार बुलाती थी और अपने पास आ जाता था क्योंकि अब उसको आदत हो गई थी मेरी। जब मैं उसके साथ बैठती थी मैं सारा कुछ भूल जाती थी, कि दुख तकलीफ कुछ भी याद नहीं रहता था। एंड आई थिंक दैट वॉज आई डिडंट रियलाइज इट एट दैट टाइम कनेक्शन है विच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट ट्रूली वॉज। बहुत सारे घंटे मैं उसके साथ खेलती रहती थी और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, कुछ टाइम बाद मेरा बेबी भी हो गया, तो आई विद बोथ चिल्ड्रन, आई यूज़ टू प्ले विद देम। एंड मुझे कभी नहीं लगा कि ही इज़ माई स्टाफ सन। आई ऑलवेज फेल्ट कि अपना घर का बच्चा है, घर का बच्चा है। आज भी अब वो इतना बड़ा हो गया, लंबा और होटल लाइन में चला गया है, कितनी खुशी होती है मुझे कि यार ये दुबई चला गया, अपना बच्चा दुबई चला गया। आई थिंक सच पूछो तो हम ही ये रिश्ते बांटते हैं और हम ही बनाते हैं, क्योंकि पल में हमको लगता है अरे मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना है, और पल में हमें लगता है कि यार ये अपना सा है। सो ये हमारे हाथ में है, हाउ वी कनेक्ट विद पीपल एंड व्हाट वी डू फॉर पीपल, इट्स इन आवर हैंड्स। और हाँ, ये वेट मत करना कि सामने वाला मेरे लिए पहले कर दे। मतलब ही टट्टू, हम मतलब ही टट्टू हैं? नहीं, हम थोड़ी ना है, हम तो मेरे सर के ऊपर एक हेलो नहीं नजर आ रहा। ऐसी बातें करती हूँ तो ऐसे ही लगता है ना। नहीं नहीं हम गिवर्स हैं, बिकॉज व्हेन वी गिव वी रिसीव। हाय वैशाली, हाय वैशाली, थैंक यू फॉर कमिंग। सो व्हेन वी गिव वी रिसीव। सो ये कहानी आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा, इतने सारे लोग मुझे मिलने आए जैसे मैं इंतज़ार कर रही थी, ट्रूली सो कॉल्ड द फ्राइडे नाइट 10 o'clock का मेरा लास्ट, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग मैंने कल लगाया था, द शो मस्ट गो ऑन। सो द शो विल गो ऑन एंड आई विल बी बैक अगेन फ्राइडे नाइट एट 10, नेक्स्ट फ्राइडे नाइट। ओ हेलो विजय पापा, ओ ग्रेट, That's my बड़े पापा, my ताऊजी, my बड़े पापा from Mumbai. How nice to see him. It's so fantastic. So, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और अपनों का प्यार तो है ही, वो तो कहीं नहीं जा रहा। Yes, Vishali, you are also my beautiful friend. And I love this idea of you connecting with me all the time whenever it is possible. Thank you for coming. Thank you so much. Oh my God, finally, when I was going to say bye, look who is here. Thank you, Ali, for coming. Yes. So, mera alvida, meri taraf se bye-bye. Aur phir milenge hum next Friday. So, keep waiting. I will wait to see you and I'm sure you shall wait to see me too. So, make your own shine. Bye for now. Lots of love. Good night.